समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव आजम खान के घर पहुंचे और उनकी पत्नी तजीन फातिमा से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान के आवास पर पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा था। इसके बाद आजम खान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए, जहां मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विकास को विनाश बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी वालों को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती। अखिलेश ने कहा कि कोई भी अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो उनसे पढ़ाई की उम्मीद क्या करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है। वहीं जनता तैयार है जिस दिन मौका मिलेगा इस सरकार को हटा देगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती, कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी? विधानसभा में कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस लिया उस बात को और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पे मुआवजा दीजिए आप। सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? बता दें कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। यूपी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एक कथित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। सपा सांसद आजम खान कई मामलों में जेल में बंद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।